नमस्ते, क्या आपके भी लौकी के पौधे में फूल पीले होकर गिर जाते हैं या फिर फूल आते ही नहीं है? तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में मैं आपको लौकी से संबंधित ए टू जेड इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ, तो प्लीज एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पर मैं लौकी के बीज को उगाने के लिए उसको 24 घंटे के लिए पानी में डिप कर दिया है और अब मैं उसको ग्रो कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने ग्रो करने के लिए कॉम्पोस्ट लिया है, आप सोयल भी ले सकते हो। ये देखिए, ये 5 दिन के बाद छोटे छोटे से प्लांट्स इसमें निकल आए हैं। ये लौकी के पौधे हैं, ये देखिए कितने अच्छे से ये ग्रो कर रखे हैं। यहाँ पर मैं ग्रो बैग की मिट्टी तैयार कर रही हूँ, उसमें मैं सोयल में जो किचन वेस्ट कंपोस्ट है मैंने उसको मिलाया है। किचन वेस्ट कंपोस्ट सबसे अच्छी खाद मानी जाती है क्योंकि इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसलिए अगर आप किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाने का मेथड देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ पे मैंने इसका वीडियो बना रखा है, आप वो देख सकते हैं। तो इस तरीके से अपन इसकी सोयल तैयार कर लेंगे। सोयल तैयार करने के बाद लगभग 15 दिन बाद अपन लौकी के पौधों को ट्रांसप्लांट कर लेंगे। ट्रांसप्लांटिंग इनकी 2 to 4 लीफ स्टेज पे करनी है, यानी कि जब पौधे में 4 पत्तियाँ हों तब तभी अपने को उसको ट्रांसप्लांट करना है। ट्रांसप्लांट बहुत सावधानी से करना है गाइज, इसमें रूट्स बिल्कुल भी डैमेज नहीं होनी चाहिए। अगर रूट्स डैमेज हो गई तो ये प्लांट्स नहीं चलेंगे। लौकी के पौधे में 2 तरह के फूल आते हैं, मेल और फीमेल फ्लावर। यानी कि जो मेल फ्लावर होता है वो सिर्फ पॉलिनेटर का काम करता है और जो फल बनता है वो सिर्फ फीमेल फ्लावर में बनता है। अगर आपके फीमेल फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो आप लौकी के पौधे को पिंच कर दीजिए, यानी कि ऊपर से जो आगे का इसका ये मुंह नजर आ रहा है ना, इसको आप इसको कट कर देंगे। ये देखिए, आप इस तरीके से इनको कट कर दीजिए। कट करने से क्या होगा कि इसके साइड ब्रांचेज होगी वो निकलने लग जाएगी और उसमें से काफी सारे मात्रा में फीमेल फ्लावर आने लग जाएंगे। अब बात करते हैं कि लौकी के फूल किन किन रीजंस की वजह से गिर जाते हैं। अगर टेम्परेचर में अधिक कमी या वृद्धि हो जाती है उसकी वजह से भी लौकी के फूल सूखकर गिरने लगते हैं। लौकी के पौधे के लिए जो उपयुक्त टेम्परेचर माना गया है वो 28 से 35 के बीच में होना चाहिए। अगर 28 से कम हो जाएगा तो भी फूल गिरने लगेंगे और अगर 35 से ज़्यादा हो जाएगा तो भी फूल गिरने लगेंगे। सेकंड रीजन है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी की कमी या ज़्यादा होने से भी फूल गिरने लग जाते हैं। थर्ड रीजन है पोलिनेशन की कमी से भी फूल गिरने लगते हैं। अगर आपके होम गार्डन में पोलिनेटर्स यानी कि जो मधुमक्खियां और तितलियां होती है वो नियमित रूप से नहीं आती है तो फूल सूखकर या मुरझाकर झड़ जाएंगे। अगर आप लौकी के फूलों को गिरने से बचाना चाहते हो तो आप हैंड पोलिनेशन कर दीजिए, तो आपके फूल गिरेंगे नहीं, फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हैंड पोलिनेशन कैसे करते हैं, उसके लिए ये आपको मादा फूल लेना है यानी कि फीमेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर वो होता है जिसमें छोटी सी लौकी नजर आ रही है आपको नीचे से, यही फीमेल फ्लावर है। और मेल फ्लावर से इसको अपने को पोलिनेट करना है। ये मेल फ्लावर ले लिया है मैंने, अब इसके ऊपर इसको रख के हल्का सा टिक करना है बस, जिसमें आपका पोलिनेशन कंप्लीट हो जाएगा और जो आपका फूल है वो फल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए, फूल यहाँ पर फल में कन्वर्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। फोर्थ रीजन ये है कि मिट्टी में पानी की मात्रा कम या ज्यादा होने से भी फूल गिरने लगते हैं। यानी कि पानी आपको तभी देना है जब गमले की मिट्टी सूख गई हो, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। फिफ्थ रीजन, मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी या फिर नाइट्रोजन की अधिकता से भी फूल गिरने लगते हैं। मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी नहीं हो उसके लिए आपको कोई भी कंपोस्ट इसमें मिट्टी में ऐड करना है। यहाँ पे मैं काउडंग कंपोस्ट ले रही हूँ, ये मेरी 1.5 साल पुरानी कंपोस्ट है और मैं इसको मिट्टी में ऐड कर रही हूँ। तो लौकी के पौधे को आपको हर 15 दिन में अल्टरनेट वे में कोई ना कोई खाद देनी है। सिक्स्थ रीजन ये है कि अगर आपका पौधा हेल्दी है और फूल अच्छी तरीके से आ रहे हैं फिर भी वो पौधे में फूल गिरने के लक्षण दिखाई देते हैं तो ये चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं है। पौधा अच्छे फलों के उत्पादन के लिए अपने ऊपर आए कमजोर फूलों को नीचे गिरा देता है जो फलों के उत्पादन में असमर्थ होते हैं। अगर आपके गार्डन में पोलिनेटर्स की कमी है तो आप गेंदे के फूल जरूर लगाइए। गेंदे के फूल पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप गेंदे के फूल लगाएंगे तो पोलिनेटर्स की कमी नहीं होगी और आपके भी खूब सारी लौकी आएगी।
इस तरीके से आप बनाना पील फर्टिलाइजर भी इसमें 15 दिन में एक बार डाल सकते हैं। ये फूड की साइज को बढ़ाता है और प्लांट्स में पोटेशियम की कमी को दूर करता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।